इंजेक्शन लेने से गुर्दा टूटता है या नहीं टूटता, एक सवाल भी आया हुआ है। तो इंजेक्शन का मसला देखिए, इसमें एक तो बात ये है कि बाज मौलाना ने बताया कि इंजेक्शन लेने से गुर्दा टूट जाएगा, यह तो आम बात है, क्योंकि रोदे का मतलब ही ये है कि जिसम में कोई चीज़ खाने पीने की दाखिल नहीं हो, तो और ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जिसम को ताकत मिलती हो, ऐसी चीज़ दाखिल नहीं हो, दाखिल हो गए तो रोज़ा टूट जाएगा, तो इंजेक्शन लेने से रोज़ा तो टूट जाएगा, ये तो बात वाज है। लेकिन बाद इस पर उलमा की तहकीक रही तो उन लोगों ने बताया कि जो इंजेक्शन जिसम गोश्त में ले जाता है उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता, और जो इंजेक्शन रगों में लिया जाता है उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा। तो ये एक मसला, इस तहकीकी मसला ये है कि जो वो इंजेक्शन गोश्त में लिया जाता है उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता, और जो इंजेक्शन रगों में लिया जाता है उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, ये तहकीकी बात है। लेकिन इसमें भी तहकीकात में बात उलमा ने बताया कि इंजेक्शन कहीं भी लो रोज़ा टूट जाएगा, एहतियात बेहतर है, एहतियात ही करना बेहतर है। लेकिन ज़्यादा मजबूरी है तो गोश्त वाला इंजेक्शन लिया जा सकता है, अगर रगों वाला इंजेक्शन है तो उस सूरत में लेने पर रोज़ा टूट जाएगा। अब टूटने बाद करना क्या है, रोज़ा टूटने के बाद रमजान गुजरने के बाद सबसे पहली चीज़ तो इसकी खदा कर लेना है, ये एक बात। तो ये एक मसला था, ये उसके वजाहत का जवाब होगा। दूसरा मसला ये कि हमने इससे पहले दर्स बताया था कि अगर कोई शेख पानी है, यानी ऐसा बूढ़ा आदमी है कि वो रोज़े का अपनी ज़िंदगी में रोज़े नहीं रह सकता, इतना कमज़ोर हो चुका है, तो ऐसा रोज़ेदार फिदिया देगा, ये हमने बताया था। तो सवाल हुआ कि ये जो रोज़ेदार होगा जो फिदिया देगा, कितना फिदिया देगा, क्योंकि ऐसा शख्स है कि जो है ना भैया कोई बीमार ऐसा है, कोई बूढ़ा ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी में अब रोज़े नहीं रह सकता। अगर कोई ऐसा बीमार है या बूढ़ा है कि फिलहाल गर्मियों की वजह से आज नहीं रह सका, अब कुछ दिनों के बाद ठंडी के मौसम में रह सकता है, तो सूरत में लेना सरमा के मौसम में रोदे रख लेगा। सबसे पहली बात तो उनको की बदले रोदे ही रखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा बूढ़ा है कि रोजे रख ही नहीं सकता जिंदगी में, या ऐसा बीमार है कि अब वो अच्छा होकर रोदे रखना दुश्वार हो सके, तो उस सूरत में फिदिया देगा। फिदिया क्या रहेगा, फिदिया जो सदका फितर हम देते हैं सवा किलो गेहूं कम अज कम, तो इतना रहेगा एक रोजे का एक सवा किलो गेहूं या उसकी कीमत, तो दो रोजे के दो सवा किलो गेहूं या उसकी कीमत, जितने रोजे छोड़ेगा उस उतने सवा किलो गेहूं वो जो है ना वो गेहूं या उसकी कीमत सदका वगैरह गरीब जरूरतमंद लोगों को देगा। ये हो गया दूसरा मसला। तीसरा मसला जकात के मुताबिक जो अक्सर सवाल ये है, इसे इसी को आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। तीसरा मसला है जकात के मुताबिक कि ज़कात के मुतालिक पिछले दर्स में हमने बात बयान की थी कि ज़कात कैसा करना है, कितना निकालना है, तो अब उसके बाद उस पर कुछ सवाल हुए हैं। सबसे पहली बात, ज़कात निकालने वक्त देना किसको है, क्या शौहर बीवी को दे सकता है, या बीवी ज़कात निकालने शौहर को दे सकती है, या किसको देना है, औलाद को, पोतों को, नवासों को दे सकते हैं क्या। तो याद रखिए ज़कात में दो उसूल देने के हमेशा रखती है, एक तो उसूल मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को दे सकते ज़कात, ठीक है, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात ले दे सकते। दूसरी बात, ज़कात अपने उसूल और अपने फ़ुरू को दे दे सकते। उसूल क्या है, फ़ुरू क्या है, उसूल मतलब हम हैं हमारे माँ बाप, फिर हमारे माँ बाप के माँ बाप, फिर उनके माँ बाप के माँ बाप, ये उसूल हमारे। फुरू का मतलब हमारी औलाद, फिर उनकी औलाद की औलाद, उनकी औलाद की औलाद। तो उसूल में फुरू में ज़कात कभी नहीं दे सकता, मतलब एक शख्स ज़कात निकाला अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, माँ बाप के माँ बाप मतलब माँ की तरफ से नाना नानी, बाप की तरफ से दादा दादी, इन दोनों को नहीं दे सकता, उनके ऊपर जो हमारे दादा दादी नाना नानी है उनको भी नहीं दे सकता। इसी तरीके से शुरू में नीचे नीचे वालों को भी नहीं दे सकता, अपनी औलाद को ज़कात निकाला अपने माल में से अपनी औलाद को नहीं दे सकता। इसी तरीके से अपनी औलाद की औलाद, मतलब अगर लड़का है तो पोतरा पोतरी, लड़की है औलाद अपनी,
उसकी औलाद नवासा नवासा उनको भी नहीं दे सकता, उनकी औलाद की औलाद को भी नहीं दे सकता। ये सिलसिला इंतहा उसूल में किसी को भी नहीं, फुरू में किसी को, और मियां बीवी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते जकात। इसके अलावा आप बोलेंगे क्या भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, भांजा भांजी भतीजा भतीजी, तो भाई भाई को, भाई भाई को भी दे सकते हैं, भांजा भांजी को भी दे सकते हैं, भतीजा भतीजी को भी दे सकते हैं। बस नहीं देने की बस ये सूरत है, एक उसूल फुरू, दूसरा मियां बीवी। इसके अलावा जो भी शख्स जरूरतमंद है, साहिब निसाब नहीं है, उसको जकात दी जा सकती है। साहिब निसाब कितना? 42 तोले चांदी की कीमत का मालिक देना, 42.5 तोले, 42.5 तोले 42.5, ठीक है, तोले की जो कीमत बनती है तो उसका मालिक देना आपके पास, उतना पैसा उसके पास देना के 42.5 तोले चांदी खरीद सके, इतना पैसा आपके पास दे देना, तो वो जरूरतमंद आदमी है, वो शरीर के अतबार से वो आदमी गरीब आदमी है, उसको हम जकात दे सकते हैं, वो कोई भी हो। उसूल फुरू में रहना, मियां बीवी आपस में जकात नहीं दे रहे। अब दूसरी बात ये कि जकात देना कहाँ पे, ये भी अक्सर लोग जो ना आमतौर पर सब रास्ते में जा रहे हैं गरीब मांगने वाले, उनको बुला के जकात के पैसे निकाल देते थे घरों पर, उनको बुला के दे देते, कोई घर पे मांगने आए उनको निकाल के दे देते। तो याद रखिए, अगर आने वाला कम से कम अगर चांदी 700 रुपये का तोला चल रही है, एक अंदाज से बता रहा हूँ, 29,400 रुपये का मालिक है आने वाला, अब वो खुद साहिब निसाब हो गया, मालदार आदमी हो गया शरीर के अंदर, आप उसको जकात देंगे तो आपकी जकात अदा नहीं होती। ऐसा मालूम होना है, तो इसीलिए अपना फर्ज अदा करने में हम लापरवाही से काम ले रहे हैं। उसके बाद इतना है वो कैसा मालूम है? तो शरीयत की रोशनी में, शरीयत हमारे को सबसे पहले क्या बात बताई, अपने घर वालों को जकात देना, अपने करीबी रिश्ता जितना ज्यादा करीब है, जैसे भांजे भांजी से ज्यादा करीबी भतीजा भतीजी, तो और बहनों से ज्यादा करीब भाई बहन है, तो इनमें जकात देना सबसे पहले, देखना कि आपके अगर आपके भाई बहन है उनके बच्चे हैं, बच्चों के नाम से कुछ भी पैसा जमा हुआ नहीं है, तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप उनका जो है ना तालीम और जकात बोलने देने की जरूरत नहीं, तोहफा बोलने दे देते हैं कुछ भी, बहरहाल उनके नाम से ना पैसा रखा हुआ है। अब हमारे पास जो बाहर से कोई लोग आगे मांग रहे निकाल के दे दिए, तो अब सवाल यह हो रहा कि हमारे पैसे मालूम और साहिब निसाब है नहीं, तो हमारे मेहमान हो सकते। अगर इस्लामी हुकूमत रहती तो हुकूमत की जानिब से आमिलीन आमिल बोलकर लोग मुकर्रर होते थे, उनको आमिलीन भेजते थे, वो लोग क्या करते थे सारा लोगों के घरों पे जाते थे, उनका माल क्या है क्या नहीं हिसाब कर लेते थे, और जो साहिब निसाब है उसकी अलग से फहरिस्त बनाई जाती थी, जो गरीब है उसकी अलग फहरिस्त बनाई जाती थी। तो अब ये इनको खुद पैसा कर देते ज़कात का हुकूमत को, हुकूमत ज़्यादा पहुँचा देते थे, लेकिन अब हमारे पास ऐसा मसला नहीं है, लाखों की ज़मीनें हैं लेकिन पेशा है मांगने का लोग मांगने आ जाते हैं, अगर जमीन का कई लाखों की ज़मीन एकड़ों में लेकिन जमीन नहीं करे लोग, लेकिन अब उनका कारोबार ही मांगना पेशा है, होगा पेशे के तहत आ जाता, इसीलिए भय को जकात दे देना, जकात फितरा देने में काफ़ी एहतियात कर। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि घर वालों में देख दीजिए जकात, आपका भांजा भांजी अगर उसके नाम से कुछ पैसे नहीं है उसको दे दीजिए, उसके नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए, उसके तालीम में खर्च करा दीजिए, या उसको कोई चीज़ खरीद के देना है उसको और तो उसको जो है ना तोहफे के तौर पर दे दीजिए, तोहफा बोल के दे दिया, जकात बोल के देना जरूरी नहीं। तो इसीलिए शरीयत सबसे पहली चीज़ ये बात बताई कि अपने करीबी रिश्तेदारों में करीबी लोगों का हाल आपको मालूम रहता, आपके रिश्तेदारों में देख लीजिए बस, मियाँ बीवी में उसूल फुरू में रहते, इसके अलावा रिश्तेदारों में जो भी आपको मालूम है उनको मालूम रखे दे दीजिए। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है मदारिस मदरसे, इनमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो है ना यहाँ पे मदरसे में कोई मुस्ताहिक है नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप जब मदरसे के हवाले कर देंगे तो मदरसा खुद वकील बन के आपकी जकात की कफालत खुद करेंगे, जकात ले लेगा वो खुद चलाएगा, अब आपके पास काफ़ी मदारिस है, आपके पास जो भी आपको समझ में आता है
किसी मदरसे को आप जगह दे सकते हैं। ये दो चीजें, पहली बात रिश्तेदार, सबसे पहले तरजीह उनको ही देना है। दूसरा है मेरी नजर में मशवरा, था मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ मदरसे, ताकि हमारी जकात सही जगह पर जाए। ऐसा नहीं हम जकात पैसा तो निकाल दिए, लेने वाला तो साहिब निसाब था, हमारी जकात अदा नहीं हो गई, फिर हमारे साथ जकात बाकी रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए एहतियात का मैं मिसाल होता हूँ, पहले तो मेरे रिश्तेदार, दूसरा मदारिस, वहाँ पे अगर जकात दे दी गया तो उसका जो है ना मदारिस से फिर ऐसे स्कूल्स जो जकात वगैरह बेहतर चलते हैं या कहीं भी दे सकते हैं आप लोग इस वाले सवाल।